तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। जैसा कि आपको पता होगा, सैमसंग गैलेक्सी में आपको प्री इंस्टॉल उसका सैमसंग का खुद का ब्राउजर मिलता है, जिसका नाम है सैमसंग इंटरनेट ब्राउजर। तो दोस्तों, इसके अंदर एक नया अपडेट आया है। नए अपडेट के साथ कमाल के नए फीचर वहां पर एड ऑन किए गए, या फिर बोल सकते हैं नए फीचर उसमें एड ऑन किए गए। क्या ये नए फीचर है, कहाँ मिलेंगे, कैसे यूज करेंगे, आगे आपको बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल एस एच टेक में। तो दोस्तों, जैसा कि ने बताया, मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग इंटरनेट ब्राउजर के नए अपडेट के बारे में। तो उसके लिए आपको जाना है सैमसंग इंटरनेट में, आप डायरेक्ट यहाँ पर भी जा सकते हैं, या फिर आप चाहे इंटरनेट ब्राउजर में डायरेक्ट जा सकते हैं, या फिर आप वहाँ पर गैलेक्सी स्टोर में भी जाके देख सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर जाएंगे या सेटिंग्स में जाएंगे, तो आपको देखेंगे एक नया अपडेट यहाँ पर अवेलेबल मिल रहा होगा। जैसे ही आप अपडेट पर क्लिक करेंगे, वो आपको गैलेक्सी स्टोर पर ले जाएगा। गैलेक्सी स्टोर पर जाने के बाद आप देखेंगे इस अपडेट को कब रिलीज किया गया। जैसे कि नीचे की तरफ आएंगे तो आप देखेंगे इस अपडेट को रिलीज किया गया 31 मई को रिलीज किया गया है, जिसका अपडेट साइज है 110 MB का, एंड देन इसका वर्जन नंबर इज 2.21.0.041। अब यहाँ पर आप देखेंगे इसमें क्या क्या नए नए चेंजेस किए गए। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ सबसे पहले जो चेंजेस किया गया है, प्रोवाइड ऑन एन ऑप्शन टू मूव द टैब बार एंड बुकमार्क बार टू द बॉटम। बॉटम में आप वहाँ पर टैब बार और बुकमार्क मार्क को मूव आउट कर सकते हैं, और आप वहाँ पर उसको शो भी कर सकते हैं। मतलब कि आपको बुकमार्क और आपकी जो टैब है आपको वहाँ पर दिखे स्क्रीन पर। और वहाँ पर दिया गया है प्रोवाइड एन ऑप्शन टू मूव द URL बार टू द बॉटम ऑफ टैबलेट डिवाइस। ये ऑप्शन पहले ही है नॉर्मल डिवाइस के लिए, और ये अब टैबलेट के लिए भी यहाँ पर दे दिया गया है। तो क्या क्या नए चेंजेस किए गए हैं आपको बता दूँ। सबसे पहले एक चीज़ और बता दूँ, जब तक ये अपडेट हो रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ 3 डॉट्स पर जाके सेटिंग्स पे, और यहाँ पर अगर आप लेआउट पे जाएंगे, तो अभी जो लेआउट के ऑप्शन आएंगे ये आपको अलग आएंगे, और अपडेट के बाद वहाँ पर आपको अलग मिलने वाले हैं। तो इसलिए मैंने आपको पहले दिखा दिया, जब तक ये अपडेट हो रहा है फिर मैं आपको बताऊंगा अपडेट के बाद क्या नए चेंजेस किए गए हैं। तो फाइनली दोस्तों, ये हो चुका है अपडेट। अपडेट करने के बाद आपको इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे, सबसे पहले ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपको सिर्फ यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर सिर्फ URL वाला टैब दिख रहा है, और नीचे की तरफ और कुछ भी नहीं दिख रहा। तो यहाँ आपको जाना है थ्री डॉट्स पे, सेटिंग्स पे। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना है यहाँ लेआउट वाले पे। तो आप देखेंगे अब आपको यहाँ पर नया लेआउट की स्क्रीन मिल रही है, जो कि पहले अलग आ रही थी, जो मैंने आपको पहले दिखाई थी, और अब आपको आपको नया मिल रहा है। यहाँ पर सबसे पहला जो ऑप्शन दिया गया है, शो एड्रेस बार एट बॉटम करने का भी ऑप्शन दिया गया है, और शो टैब बार और शो बुकमार्क का ऑप्शन यहाँ पर एड ऑन किया गया है। तो आपको इन दोनों को ऑन कर लेना है। इन दोनों को जैसे ही आप ऑन करेंगे और बैक आएंगे, तो आप देखेंगे ये आपको यहाँ पर आपका टैब का ऑप्शन मिल गया। जितनी भी आपकी टैब्स खुली होंगी सब आपको यहाँ पर ही मिल जाएंगी। आप डायरेक्टली यहाँ से टैब में डायरेक्ट मूव आउट कर सकते हैं। यहाँ आपको नीचे अगर आपने कोई बुकमार्क लगा के रखा हो तो बुकमार्क का ऑप्शन भी मिल जाएगा, बट ये ऑप्शन बहुत शानदार दिया गया। आप इजीली यहाँ पर टैब को स्विच आउट कर सकते हैं। और एक चीज़ और, अगर आपको ये URL वाला नीचे ऑप्शन करना है, तो यहाँ 3 डॉट्स पर जाएँ, सेटिंग्स पर जाएँ, लेआउट पर जाइए, और आपको शो एड्रेस टू मूव टू बॉटम कर दीजिए, तो ये यहाँ पर आपको नीचे की तरफ मिल जाएगा। आप देख सकते हैं ये आपको नीचे की तरफ मिलने लगा है। तो यही अपडेट था सैमसंग इंटरनेट ब्राउजर की तरफ से, जो कि अच्छा है। आपको लेआउट तो ऊपर नीचे करना बेकार है, बाकी ऊपर अगर आप ये बुक मार्क यहाँ पर जो दिया गया है, सबसे कमाल का ऑप्शन या सबसे कमाल का फीचर यहाँ पर एड ऑन किया गया है। ऐसी नई अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो रियल में पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, और अगर लगता है आपको कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम फेसबुक पर DM करके ही पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो थैंक यू।